नारद जी के मुख से राम नाम नहीं निकल पाता, पर नारद जी के कहने पर उल्टा नाम मरा 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 जपने से ही वाल्मीकि पवित्र हुए और ब्रह्म के समान चला। जब सज्जनों आप मरा मरा बोलो तो उसमें राम राम भी हो सकता है। मरा 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 इस प्रकार वाल्मीकि जी भी ब्रह्म के समान कहलाए और शिव जी के वचन सुनकर मानो एक राम नाम तो सहस्त्र राम नाम के समान है। पार्वती जी भी सदैव अपने स्वामी के साथ इसी नाम का जप करती रहती हैं और किसी का रूप भी तो नाम के अधीन होता है, बिना नाम के किसी के रूप का ज्ञान नहीं होता। और अगुण सगुण के बीच में नाम ही सुंदर साथी, दोनों ही ज्ञान कराल वाला चतुर दुभाषी है। और भी यही कहती है, क्या कहती है कि अरे मूर्ख, अगर तू अपने चारों तरफ उजाला चाहता है तो अपने मुख रूपी द्वार पर, जीव रूपी जिहरी पर राम नाम रूपी कीप को रख, जिससे तेरे अंदर और बाहर दोनों उजाला ही उजाला छा जाए और तेरे चारों ओर से अंधकार का नाश हो जाए, नाश हो जाए। तीनों लोकों में, तीनों कालों में,
संकट से मुक्त हुए। वेद पुराणों संतों का भी ये कहना है कि समस्त सच्चे पुण्य और कर्मों का फल राम जी के नाम से प्रेम होना। अब पहले युग में सतयुग में भगवान को ध्यान से, दूसरे युग में यानी त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर युग में भगवान पूजा पाठ से प्रसन्न होती थी। परंतु सज्जनों कलयुग तो पाप की जड़ है, मूल है, मलिन है। अरे इसमें तो लोगों का मन पाप रूपी जल में मानो पाप रूपी मछली बना हुआ है, अर्थात मन पाप से अलग नहीं होना चाहता है। ऐसे घोर कलयुग में भी राम भगवान का नाम ही एक कल्प वृक्ष है जो कि संसार के सभी जंजालों से मुक्त कराता है। और कलयुग में तो न कोई ज्ञान है न भक्ति है, केवल कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमरण पुत्र ही स्मरण करती ही। अगर इसे अगर हम स्मरण करें तो इसी स्मरण करती इसे जपती हमारे सारे पाप दूर हो जाएं। प्यारी प्यारी माताओं श्रोताओं, भगवान मारकर नाम के जप करने वालों की रक्षा करता है। और फिर भगवान का नाम चाहे किस भाव से लो, भाव भाव मन काल सम नाम जपत मंगल जैसे सम, चाहे बुरे भाव से लो, चाहे क्रोध से लो, चाहे हर्ष से लो, हर्ष से पीते खाते रोती किसी भी तरह भगवान के नाम का जप करने से कल्याण ही कल्याण। अब इसके बाद और वहां पर मैं भागवत कथा कह रहा था, तो वहां पर मेरे पास जहाँ पर मैं ठहरा हुआ था वहां पर एक श्रीमान जी आए और मुझसे पूछने लगे कि महाराज जी मुझे आपसे एक बात पूछनी। मैंने कहा पूछो। वो बोले कि महाराज जी एक बात बताओ कि आजकल कितनी कितनी कथाएं हो रही हैं, कितनी धार्मिक चीजें हो रही हैं, पर फिर भी जनता क्यों नहीं सुधरती। इतनी धार्मिक कथाएं हो रही हैं लेकिन फिर भी जनता क्यों नहीं सुधरती, फिर भी लोग क्यों नहीं सुधरते। तो भैया मैंने उनसे कहा कि श्रीमान जी पहले तो आप अपनी दृष्टि सीधी की, आपने उल्टा चश्मा लगा रखा है इसलिए आपके कारण आपकी बाड़ी भी उल्टी जा रही है। और श्रीमान जी फिर आपने ये पूछा ना कि इतनी कथाएं हो रही है फिर भी लोग क्यों नहीं सुधरते।